नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोला और स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि डेवलपर ऑप्शन MIUI में कैसा होता है, तो और इसमें क्या क्या वो ऑप्शन है जो आपको डे टू डे यूसेज में बहुत काम आ सकते हैं, और ये वीडियो आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको एक्टिव करने के लिए जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पे आपको MIUI वर्जन ऐसा नाम दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, उसको 5 बार टैप करना है। ये देखिए, जैसे मैं टैप करता हूँ नीचे यहाँ पर दिखाई देता है, ये देखिए 2 स्टेप्स अवे, 1 स्टेप अवे, एंड मैं 1 बार करते हूँ, नाउ यू आर अ डेवलपर, ऐसे यहाँ पर लिख के आता है। तो बैक आना है मुझे और नीचे जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद एकदम नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डेवलपर ऑप्शन का, और डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ये एक्टिव हो गया है मेरा। उसके बाद इसमें क्या क्या मेन मेन फीचर्स है जिसको आप यूसेज में ला सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला है डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड। ये आपको आपका जो डेस्कटॉप है वहाँ आप पासवर्ड दे के उसको बैकअप में ले सकते हैं। डेस्कटॉप फुल बैकअप आरंट करंटली प्रोटेक्टेड, तो इसको क्लिक करके आप इसको पासवर्ड डाल के, मतलब वो आपका जो डेस्कटॉप है वो आप फुली उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उसके बाद है स्टे अवेक। स्टे अवेक क्या है, स्क्रीन विल नेवर स्लीप व्हाइल चार्जिंग, यानी कि जब भी आपका मोबाइल आप चार्जिंग पर लगाते हो तो वो कभी भी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी चार्जिंग के वक्त। उसके बाद है स्किप स्क्रीन लॉक, यानी कि आप जैसा ही, ये देखिए मैं ऐसा करता हूँ और जैसे ही मैं अनलॉक फ़ोन करता हूँ तो डायरेक्ट ये आ जाता है, तो ये नहीं आएगा अगर इसको आप एक्टिव कर देते हैं। उसके बाद है वेब व्यू इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों आप जब भी क्रोम ओपन करते हैं ब्राउज़र, और उसमें जो आप वेब कंटेंट कुछ भी सर्च करते हैं देखते हैं, तो उसका वेब व्यू कैसा होगा ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक एंड्रॉयड सिस्टम वेब एप्लीकेशन है, इसमें से आप क्रोम में काफ़ी अच्छी तरह से देख पाते हैं, तो ये आप यहाँ से कुछ एप्लीकेशंस को रन भी कर सकेंगे, यानी कि दूसरे भी एप्लीकेशन आप इसमें वेब व्यू में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। उसके बाद है डेमो मोड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमो मोड करंटली डिसेबल्ड है, और जैसे मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, ये देखिए जैसे मैं इनेबल कर देता हूँ और डेमो मोड में, व्हेन डेमो मोड इज़ ऑन द क्लॉक इन द स्टेटस बार विल स्टॉप, बैटरी एंड सिग्नल आइकॉन्स विल बी डिस्प्लेड एज फुल, यू कैन टर्न डेमो मोड ऑफ और रिबूट द डिवाइस टू चेंज दिस। मतलब जैसे आप टर्न ऑन करोगे सिर्फ आपको यहाँ पे बैटरी और ये नेटवर्क, ये सिर्फ 2 आपको एक्टिव मिलेंगे, यानी कि जैसा है वैसे दिखेंगे, बाकी सब आपको डेमो में मिलेगा। यानी कि मेरा वाईफाई चालू नहीं है, ये देख सकते हैं वाईफाई बंद है, फिर भी यहाँ पे वाईफाई का आइकॉन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे टाइम भी 2:36 AM का बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ ऑफ, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फिर से आ गया है। उसके बाद क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स में आपको एक 6 ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। शो लेआउट बाउंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और बाउंड्स में देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शो लेआउट बाउंड्स, यानी कि आपका आपके फ़ोन में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, वो कैसा कैसा हो रहा है, उसको कितनी टाइल्स या कैसा उसका लेआउट फ़ोन में मैनेज किया है, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं ये वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सीधे आपके नोटिफिकेशन शेड में आ जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे आप ऐसा दे सकते हैं। ये देखिए कौन से लोगों ने कितना वहाँ पे ये लिया है, उसका साइज़ लिया है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे पूरे एक्टिव कर देता हूँ, ये पूरे 6 के 6 ऑप्शन यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाते हैं, तो इसको मैं सिंपली डिसेबल कर लेता हूँ। और दोस्तों उसके बाद है डार्क थीम। यहाँ पर डार्क थीम आपको 2 ऑप्शन में मिलती है, डार्क और लाइट। इसका काफ़ी एप्लीकेशन में जहाँ पर ये इनेबल नहीं होता है वहाँ पे भी ये डार्क या लाइट थीम आपको फोर्स इनेबल यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है ट्रस्ट एजेंट्स ओनली एक्सटेंड अनलॉक, यानी कि आपका जो अनलॉक मोबाइल है वो लॉक नहीं होगा, काफ़ी समय तक वो लॉक नहीं होगा, लेकिन ये क्या करेगा आपके लॉक हुए मोबाइल को अनलॉक नहीं कर सकेगा, यहाँ पर ये दिया गया है। उसके नीचे ऑप्शन है लॉक स्क्रीन व्हेन ट्रस्ट इज लॉस्ट, यानी कि जब भी आप मोबाइल से दूर होंगे या ब्लूटूथ जो कनेक्टेड है वो उस रेंज से बाहर जाएगा तब आपका मोबाइल डिवाइस अपने आप लॉक हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है USB डीबगिंग। जैसे ही आप कभी ध्यान दिया होगा आपने, जब आपका मोबाइल आप कनेक्ट करते हो लैपटॉप को या PC को,
तभी आपको यहाँ वहाँ पे USB डिबगिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, वहाँ पे तीन चार ऑप्शन मिलते हैं, फाइल ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र या इमेज, ऐसे पांच छह ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसको जैसे आप करोगे यहाँ पे आपको वो ऑप्शंस दिखाई देंगे जब भी आप लैपटॉप को या पीसी को कनेक्ट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों रिवोक USB डिबगिंग ऑथोराइजेशन। जैसे यहाँ पे टैप करता हूँ और ओके करता हूँ तो जिस लैपटॉप को या डेस्कटॉप को मैंने परमिशन दी है, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र या डेटा ट्रांसफ़र, तो वो सभी यहाँ से ऑथोराइजेशन उसका निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों गेम ड्राइवर प्रेफरेंस में अगर आप देखते हैं, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनेबल फॉर ऑल ऐप्स करना है या कौन से ऐप को करना है आपको, यहाँ पे ये दिखाता है, देखिए इनेबल फॉर ऑल ऐप्स या गेम ड्राइवर या प्री रिलीज ड्राइवर, ये आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए सारे एप्लीकेशन का इसमें मिलता है आपको, कौन से एप्लीकेशन में इसको आप एक्टिव करना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं या गेम ड्राइवर में रखना चाहते हैं, ये आप यहाँ से सेलेक्ट करके एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव, यहाँ पे आपको ऑलवेज एक्टिव रखना है मोबाइल डाटा या नहीं रखना है, वो आप यहाँ से उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया USB डिबगिंग में, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप लैपटॉप या मोबाइल आपका लैपटॉप को या डेस्कटॉप को आप कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन पूछता है USB डिबगिंग का, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट उसका क्या रखना है ये देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र, USB टेथरिंग, MIDI ट्रांसफ़र फोटोज़ और नो डाटा ट्रांसफ़र, ऐसा आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है शो टैप्स का। शो टैप्स यानी आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे, देखिए मैं जहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, मैं जहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे ये देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे भी मैं टैप कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे वो पॉइंटर वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको आप एक्टिवेट रखना चाहते हैं या बंद रखना चाहते हैं, ये आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। पॉइंटर लोकेशन यानी कि शो टचेस कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जब भी मैं करता ये टच करता हूँ तो मैं कहाँ टच कर रहा हूँ ये यहाँ पे मुझे ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद ऑप्शन है शो लेआउट बाउंड्स, यानी कि जो अभी मैंने आपको टाइल्स में यहाँ पे जाकर दिखाया था वो ऑप्शन, वो यहीं पे भी आपको देखने को मिलता है। शो लेआउट बाउंड्स, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सारे बाउंड्स उसके जो लेआउट है वहाँ पे कैसा कैसा वो यूज़ हुआ है वहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डोंट कीप एक्टिविटीज़, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, तो मैं आपको इसका डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने ये GoDaddy का पेज ओपन किया है और रिसेंट में गया तो वो वैसे के वैसा मेमोरी में है, तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल क्रोम में, तो वो उसको रिफ्रेश कर देता है, ये हर बार करेगा ऐसा। और यहाँ पे भी आप अगर इसको फिर से ऑफ़ कर देते तो ये फिर से सिर्फ एक बार करेगा वैसा, लेकिन अगर आप फिर से जाते हैं तो ये देखिए वो रिफ्रेश नहीं करेगा, यानी कि एक्टिविटीज़ वो बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं रखता है, उसका स्टैंडर्ड लिमिट आप यहाँ से सेट भी कर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक ऑप्शन मिलता है फोर्स एक्टिविटीज़ टू बी रिसाइजेबल, यानी कि दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट में जाने के बाद, ये देखिए मैं कॉल लॉग में जाता हूँ, कॉल लॉग में जाने के बाद यहाँ पे जो नंबर्स दिखाई दे रहे उसको मैं जैसे ही स्प्लिट स्क्रीन में करता हूँ तो यहाँ पे ये नेगेटिव का यहाँ पे साइन दिखाता है, यानी उसको टच नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जैसे मैं ऊपर भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्प्लिट स्क्रीन को और जैसे ही खींच के ऊपर लेता हूँ तो ये देखिए क्या बोल रहा है, दिस ऐप डजंट सपोर्ट स्प्लिट स्क्रीन। तो इसको भी हम कैसे फोर्स इनेबल करके स्प्लिट स्क्रीन में ला सकते हैं या ऐसा यूज़ में ला सकते हैं उसको ये देखेंगे। इसको जैसे मैं एक्टिविटीज़ टू बी साइजेबल को ऑन कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ जाता हूँ तो जैसे ऊपर के यहाँ जाता हूँ फिर भी वो नहीं होता है, उसको उसके लिए आपको फ़ोन आपका एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए फ़ोन हमारा चालू हो गया है, चालू हो जाने के बाद इसको सिंपली हमको अनलॉक कर देना है। अनलॉक कर देने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाएंगे, कॉन्टैक्ट में जाने के बाद ये देखिए इसको कर दिया है मैंने अनलॉक करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे रिसेंट में जाऊँगा, एक मिनट रिसेंट में जाऊँगा और इसको मैं ये देखिए ये अभी एक्टिवेट करने का ऑप्शन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी जैसे हम ऊपर भी यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन को जैसे मैं क्लिक करता हूँ और फ़ोन या डायलर को खींच के ऊपर डाल देता हूँ तो वो चालू हो जाता है। तो ऐसे मैं फोर्स रिसाइज एप्लीकेशन हर एक एप्लीकेशन को करके मैं इसको काफ़ी यूज़ में ला सकता हूँ
और दोनों भी एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ा फ़ोन है, 6.7 इंच का ये पोको एक्स टू है। काफ़ी अच्छी तरह से मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन सा फीचर आपको इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।